और सबसे पहले बादल देवनाथ के पास चलूंगा। बादल देवनाथ जी बताइए, 15,000 हिंसा की वारदातें हुई, पुलिस FIR नहीं कर रही है, 80,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, कई लोगों की मौत भी इस दौरान हुई, क्या जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी ममता जी की जिम्मेदारी नहीं है? दिलीप दा तो था, दिलीप दा चला गया, दिलीप दा और मैंने एक साथ बचपन में शाखा किया, शाखा में जाते थे, दिलीप दा मुझसे 7-8 साल से बड़ा है और चला गया, उससे रहने से अच्छा होता, और बहुत सारे डिबेट भी एक साथ में था। तो मैंने उससे पहले मैं दिलीप दा को एक बात कहना चाहता हूँ, दिलीप दा आप खुद दो साल से हर दिन हर जगह में जैसे आपने सवाल किया है दीपक जी, हर दिन उन्होंने कहा इसको मारोगे उसको पिटाऊंगा उसको शमशान में भेजूंगा, पुलिस क्या करेगा, पुलिस को देखूंगा सबको मार, एक इलेक्शन चुनाव खत्म होने दिया, हम लोग बंगाल में आ रहे सत्ता में, देखूंगा सबको देखूंगा। ये जो हिंसा का बात पहले हुआ तो दिलीप दा ने खुद किया था। दिलीप दा आज उल्टा बयान देके एक नेशनल जनरल उल्टा बयान देके वो निकल गया, दिलीप दा आपने छोड़ दिया मुझे, मेरे साथ तो एक दो लाइन तो डिबेट पर करना चाहिए था, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। और दूसरा जो बात है दीपक जी, दो MP है दिलीप दा को क्यों छोड़ दिया आपने, दो MP इलेक्शन खत्म होने के बाद दो MP खुद कह रहे बंगाल को चार हिस्सों में बांटना चाहते ये लोग, एक दार्जिलिंग, दो नॉर्थ बंगाल, तीन साउथ बंगाल, और सौमित्र खा बोल रहे जंगल महल अलग से, क्योंकि ये लोग तो सेम नहीं होगा, ये लोग तो सबको TMC देके गया, बोलो तुम TMC से भाजपा में जाए तो तुमको CM बना दूंगा, मुख्यमंत्री बना, लेकिन तो मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हारने के बाद ये लोग कह रहे, आपने खुद जानते हैं दीपक जी, आप एक सबसे बहुत बड़ा पत्रकार है, आप जानते चार हिस्सों में बांटना चाहते हैं बंगाल को, एक कौन सा साजिश है, कौन साजिश कर रहा है, ये संघ परिवार कर रहे है, होम मिनिस्ट्री दफ्तर से हो रहा है, ना खुद बंगाल के राज्यपाल कर रहे है, और राज्यपाल क्या कहा, राज्यपाल यहाँ पर हर दिन दीपक जी हर हिम कर संतरा चला रहा है, हर जगह में जा रहा है, हर जगह में घूम के जा रहा है, लेकिन TMC के कोई कार्यकर्ता, TMC के कोई MLA, कोई निर्दलीय MLA किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, उनके साथ MLA रहेगा भाजपा के, उसके साथ भाजपा के MP रहेगा, बात करेगा, और एक रिपोर्ट जो कमीशन से जो महिला दो तीन लोग आए थे, कल परसों आए थे, बात किया, उन लोग के पास कौन गया, रिपोर्ट देने कौन गया, बर्धमान में उनका प्रोग्राम था, आया पुरुलिया से, बांकुड़ा से, हर जगह से, कोई इन्विटेशन था, कोई प्रोग्राम इन्विटेशन था, घर का परिवार में उनको बुला के लेके चला गया, भाई चलो 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 भाई तुमको रिपोर्ट देना है, कमीशन को रिपोर्ट देना है, ऐसे कोई दीपक जी रिपोर्ट होता है? नहीं, मैंने कोई भी इंटेंशन मान लियो, लेकिन लोगों को मारना क्या ये ठीक है राजनीतिक तौर पर? और राजनीतिक हिंसा बंगाल की बीमारी रही है बादल दा, आप जानते हैं, चलिए मान लिया चार राज्यों में बांटने की साजिश कर रहे हैं, चलिए मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी साजिश कर रही है चुनाव हारने के बाद, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा BJP के कार्यकर्ताओं को पीटना कितना वाजिब है, बलात्कार करना 60 साल की महिला के साथ कितना वाजिब है, पिटीशन लगाई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति खतरा, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, क्या भाजपा के पक्ष से क्या TMC के पक्ष में, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। जिस आसाम का बात किया, कूचबिहार जिला यहाँ से नॉर्थ बंगाल में कूचबिहार पड़ता है, 600-700 किलोमीटर दूर है, वह कलकत्ता से 700 किलोमीटर दूर है, वहां पर दीपक जी कूचबिहार जिला में 9 सीटों में 7 सीट भाजपा को मिला, 2 सीट TMC को मिला, और ये लोग फिर कह रहे हैं जहाँ पर 7 भाजपा का सीट है उन लोग भाजपा आसाम में जा रहे हैं, क्यों आसाम से वो लोग क्यों बंगाल में आता है इलेक्शन के समय में, और इलेक्शन खत्म होने के बाद 1000 के ऊपर लोग वहां पर चला जाए, क्यों जा रहे हैं वहां पर, तो हमारा तो सत्ता नहीं है, पूरा जिला तो आप लोगों ने सत्ता में आ गए पूरा जिला में, तो अब आप आसाम में क्यों गया, तो मैं उन लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे रिपोर्ट दीजिए, तो ये बताइए हिंसा हुई है या नहीं हुई है ये बता दीजिए, हुई है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बिल्कुल हुआ दीपक जी, लेकिन TMC के कार्यकर्ता के ऊपर जो आक्रोश हुआ, TMC के लोगों के ऊपर जो हत्या हुआ, TMC के घर को जला रहे, उनके बारे में एक राज्यपाल एक भी शब्द नहीं बोल रहे दीपक जी, ना दिलीप घोष बोल रहे, ना JP नड्डा, ना अमित शाह जी, ना होम मिनिस्टर, ना कोई कुछ कर रहा है। तो आप FIR लिखिए ना, आपकी सरकार कार्रवाई करिए, प्रियंका टिब्रेवाल जी का आरोप है कि भारतीय जनता के पार्टी के बाहर से आए कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि TMC के लोगों को मारा गया, ये तो दीपक जी लास्ट लाइन कमीशन के जो महिला रिपोर्ट महिला अधिकारी जो था झारखंड में काल था वो पंजाब का निवासी है, उन्होंने खुद कहा ये कहां से आ क्या जानता नहीं हो, लेकिन बाहर से आया
जो कमीशन ठीक है वो बहस में है, उस बात का जवाब देंगे।